फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि आपके पौधे लगातार ग्रोथ करें और उनमें लगातार फूल आते रहें, तो इसके लिए आपको अपने प्लांट्स में सही पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र डालना होगा। और ये फर्टिलाइज़र यदि जैविक होता है तो प्लांट के लिए और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो कि हमारे घर में उपलब्ध चीज़ों से आसानी से तैयार हो जाता है, और ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। किसी तरह का पौधे पर इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी प्लांट्स पर यूज़ कर सकते हैं। यदि पोषक तत्वों की बात की जाए तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये फर्टिलाइज़र प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ को तेज करेगा। यदि पौधे में फूल आने में समस्या है या फूलों का आकार बहुत छोटा है, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो ये समस्याएं भी इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से ख़त्म होंगी। आप मेरे प्लांट्स को देख रहे हैं, सभी पौधों में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि मैं इस तरह के फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स पर यूज़ करती रहती हूँ और पौधे लगातार फूलों से भरे रहते हैं। पौधे की अच्छी ग्रोथ और उनमें अच्छे फूल पाने के लिए पौधे का इंसेक्ट फ्री होना भी ज़रूरी है। तो इस फर्टिलाइज़र में मैंने ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल किया है जिससे पौधे में किसी तरह के इंसेक्ट नहीं होंगे। फंगस होगा तो वह भी ख़त्म होगा। और पौधे में ख़ासतौर पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चींटियों की आती है, चींटियाँ परेशान करती हैं, तो यदि आपके प्लांट में चींटियाँ हो रही हैं तो आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें, चींटियाँ भी नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तीन चीज़ों को मिलाकर मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है जिससे ये प्लांट के लिए एक फर्टिलाइज़र के साथ साथ इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड की तरह भी काम करेगा। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है मेथी दाने। मेथी दाने हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाते हैं। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, कॉपर के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर ये प्लांट के लिए एक बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र का काम करते हैं। इसको आप अपने प्लांट पर कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इनका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ। तो जब भी बारिश रुकी हुई हो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्लांट पर बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। तो आपको लेना है एक छोटा चम्मच मेथी दाना। पौधों की संख्या के हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा मात्रा में बना सकते हैं। दूसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। यदि आपके पास यह नहीं है तो आप फ्रेश टी लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें चाय पत्ती अच्छी तरह से धोकर सुखाई गई हो, तभी आप इसका इस्तेमाल करें। तो मैंने एक छोटा चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। यदि आप फ्रेश टी लीफ ले रहे हैं तो इसकी मात्रा को आप आधा कर दें। तो इसको भी हमें इस मेथी दाने में मिला देना है। इस चाय पत्ती में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसके साथ ही इसका सबसे बड़ा काम होता है सॉइल को एसिडिक करना। तो जब सॉइल एसिडिक हो जाती है तो एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो यदि आपके प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ है तो आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। पौधे बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत बड़े आकार के फूल देना शुरू कर देंगे। तीसरी चीज़ मैं ले रही हूँ ये हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण होते हैं जो कि प्लांट की सॉइल में यदि किसी तरह का फंगस या इंसेक्ट है या चींटियाँ हैं तो उसको दूर करने में ये मदद करती है। तो आधा छोटा चम्मच आपको ये हल्दी पाउडर ले लेना है और इसको भी इसी में डाल देना है। इन तीनों चीज़ों को हमें 24 घंटे के लिए पानी में भिगा कर रखना होगा। मैंने एक गिलास पानी डाल दिया है। अब मैं इसको ढक के 24 घंटे के लिए रखूँगी, उसके बाद प्लांट पर यूज़ करूँगी। तो फ्रेंड्स, 24 घंटे पहले मैंने जो फर्टिलाइज़र बनाया था, देखिए कुछ इस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। इसको हमें अब छान लेना है। इस तरह से डायरेक्ट आपको प्लांट पर यूज़ नहीं करना है, पहले आपको छानना होगा। तो देखिए कुछ इस तरह से मेथी के दाने गल जाने चाहिए। अच्छी तरह से मेथी के दाने यदि गल जाते हैं तो इसके सारे पोषक तत्व पानी में मिल जाएंगे और ये पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो मैंने ये फर्टिलाइज़र छान लिया है, अब इसको हमें डाइल्यूट करना है। तो जितना भाग आपने फर्टिलाइज़र लिया है उसका दो भाग आपको सादा पानी मिला लेना है। ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। इसे अब आपको अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। आप सभी प्लांट पर महीने में एक बार इसका ज़रूर यूज़ करें।